वालेकुम प्यार दोस्तों क्या हाल है कैसे हैं आप लोग आज हम बात करेंगे मुस्तफा और शर्जीना की कहानी पर यह कहानी सिर्फ एक ड्रामा ही नहीं बल्कि हर घर की कहानी है हर शख्स के लिए इसमें एक अहम सबक छुपा हुआ है मेरे मुताबिक तो चलिए आइए इसको वन बाय वन देखते हैं एक सीन में मुस्तफा कहता है मैं पहले वाला मुस्तफ़ा नहीं बन सकता चाह के भी नहीं बन सकता ये लफ्स उसके अंदर के दुख और बेचैनी को बयान करते हैं जब एक मर्द पर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं घर का खर्चा ग्रोसरीज बिल मेडिसिन बच्चों की तालीम अपने वाले का खर्चा वो अपने घर वालों को सुकून और आराम देने के लिए सब कुछ करना चाहता है और इसी दौड़ में वो अपने प्यारों से दूर हो जाता है एक सीन में शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है ये सब तुम लिख सकते थे लेकिन मुँह से नहीं बोल सकते थे उनके अल्फाज ये दिखाते हैं कि जब रिश्तों में खामोशी आ जाती है तो कितनी दूरियां पैदा हो जाती हैं मुस्तफ़ा ने अपनी कोशिश में कि वो सब कुछ पा सके सब कुछ अच्छा कर सके लेकिन इस सफर में उसने वो खुशियां खो दी जो उसके घर में और रिश्तों में थी आज हर घर में एक मुस्तफा है जो सुबह काम पे निकलता है और रात को घर लौटता है तो भी उसका दिमाग काम और जिम्मेदारियों में ही फंसा रहता है हर वक्त ये सोचता रहता है कैसे इतना कमा कमा पाए कि अपने प्यारों के लिए एक अच्छी जिंदगी बना सके और हर घर में एक शर्जीना है जो घर के काम बच्चों की परवरिश और फैमिली की इमोशनल इन्वायरमेंट को संभालते संभालते खुद को पीछे छोड़ देती है उसके लिए फैमिली का सुकून सबसे पहले है लेकिन अपने जज्बात और खुशियाँ कहीं गुम हो जाती हैं दोनों गलत नहीं हैं मुस्तफ़ा भी अपनी फैमिली के लिए कोशिश कर रहा था और शरजीना भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी लेकिन जिम्मेदारियां उठाते उठाते दोनों का इमोशनल कप खाली हो गया था मुस्तफ़ा ने कहा एक सीन में मुझे एहसास है तुम्हारी तकलीफ़ का मैं बेहिश नहीं था बस हमारे लिए कोशिश कर रहा था और मुझे लगता था कि तुम मुझे जज नहीं करोगी तो शरजीना जवाब में कहती है मुझे पता है लेकिन मेरा दिमाग बंद हो गया था

तो वो ये है कि चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां हों हमें अपने रिश्तों पे काम करना बंद नहीं करना चाहिए एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए अपना दुख अपनी खुशियाँ अपनी परेशानियाँ अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए वरना दूरियाँ बढ़ जाती हैं और रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं मुस्तफ़ा और शाहजीना ने अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू किया इस अवेयरनेस के साथ कि वो जिम्मेदारियाँ अपनी ज़रूर पूरी करेंगे लेकिन रिश्तों को खूबसूरत बनाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है अगर आप भी अपनी जिंदगी में मुस्तफ़ा और शाहजीना की तरह मसरूफ हैं तो याद रखें पैसा कमाना जरूरी है ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी जरूरी हैं लेकिन अपने प्यारों के जज्बात को समझना भी ज़रूरी है तो इसलिए अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर और अपनी इमोशनल ग्रोथ के ऊपर दोनों के ऊपर काम करना चाहिए बिकॉज हेल्दी माइंड इज वेल्दी माइंड ठीक है तो अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं सो प्लीज़ डू शेयर आई वुड रियली लव टू सी योर कमेंट्स टेक केयर बाय बाय